मिनट में सबसे ज्यादा गुब्बारे फुलाएगा वो ही जीतेगा। और अगला मुकाबला शुरू होगा सीटी बजते ही। और ये बजी सीटी। जल्दी जल्दी फूंक मारो ढोलू भोलू, अगर ऐसे थके हुए इंसान की तरह फूंक मारोगे ना तो हमारा हारना पक्का है। हाँ हारना तो पक्का है ही, ऐसे नहीं तो वैसे। हाँ क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये उस्ताद कि हम है सिर्फ तीन और वो है चार। तुम उनकी फिक्र मत करो, देखो वो कैसे बेवकूफों की तरह बड़े बड़े गुब्बारे फुला रहे हैं। हम छोटे गुब्बारे फुलाएंगे जिससे कि हमारे गुब्बारे उनसे ज्यादा हों। चलो जल्दी जल्दी गुब्बारे फुलाओ। एक दो तीन चार। तो दोस्तों इस बार के गुब्बारे उस्ताद हैं भीम और उसके दोस्त। लेकिन मेरे गुब्बारे ज्यादा हैं और उनके कम। उनका एक गुब्बारा तुम्हारे 10 गुब्बारों के बराबर है। अगली बार ईमानदारी से खेलना का लिया, काम चोरी से नहीं। चलो ढोलू बोलो। दादाजी आप दीवार पर ड्राइंग बना रहे हैं? नहीं 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 तो भीम, हमारी दुनिया खतरे में है। खबर आई है कि बड़ा हमला होने वाला है। क्या? कौन करने वाला है हमला? लकीरों की दुनिया। लकीरें? वो कैसे हमला कर सकते हैं? लकीरें बहुत शक्तिशाली जीव हैं और बहुत अहंकारी भी हैं। खुद को सबसे महान समझते हैं और दुनिया पर अपना राज जमा कर दूसरे जीवों को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। हम वहाँ जाकर उनका हमला रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। आओ आओ मेरे साथ। जाओ भीम। मैं तो चलते चलते थक गया। अरे वाह एक कुर्सी। सच तो ये है कि हमारी दुनिया सबसे निराली है और हम सबसे महान हैं। तुम लोग बुरे हो और तुम्हारी दुनिया बेकार है। हर दुनिया हर जीव का अपना महत्व होता है, क्योंकि कोई दुनिया या लोग तुमसे अलग है उसका ये मतलब नहीं कि वो बेकार है। तुम बुरे, तुम्हारी दुनिया बेकार, बनेगी हमारी गुलाम। तुम में दम है तो हमें हरा के दिखा। मंजूर है चुनौती, नहीं है दम तो हार मान जाओ। हम बिल्कुल घमंडी नहीं है, हम सच्चे हैं, साहसी हैं। बस बस बहुत हुआ, आओ इन बेकार लोगों को सजा दें और अपना गुलाम बना दें। इन लकीरों का घमंड तोड़ना ही होगा। पर शांति संदेश ऐसे दिखाते हैं ना, हमारे भाई बंधु हो
हम तो बस तुम्हारे साथ खेल मजाक कर रहे थे। हमला कभी नहीं करेंगे। ना 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 ना। सच कहो, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। लकीरें, फूल, कबूतर बन गए। कहीं ये तुम मुझे बढ़ा चढ़ा कर तो नहीं बता रहे? जानती हो माँ, गांव में एक वैद्य आए हैं जो ये कहकर लोगों को दवा दवा नहीं जादू है, जादू इन पुड़ियों में है। माँ तुम भी, पर तुम्हें क्या हुआ? वैद्य जी ने कहा उनके इलाज से मेरा वजन झट से कम हो जाएगा। पर माँ, वजन कम करने के लिए दवा नहीं तुम्हें कसरत करनी चाहिए। तुम क्या वैद्य जी से ज्यादा जानती हो? बहुत जाने माने वैद्य हैं वो। और फिर अगर बैठे बैठे इनसे वजन कम हो जाए तो कसरत करने की क्या जरूरत है? और इससे हमारा दिमाग कंप्यूटर की तरह तेज हो जाने वाला है। यहाँ भीम, यहाँ यहाँ भीम, यहाँ पकड़ा पकड़ा। ओहो भीम, यहाँ 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 आ जाओ। मैं तो यहाँ हूँ भीम। देखना, जल्द ही तुम में से किसी को मैं पकड़ लूंगा। ये लो चक्कू। मैं तो कभी पकड़ में नहीं आऊंगा। चूक गए तुम भीम, चूक गए। नहीं चुका जग्गू, अब तुम देना। भीम, क्या कमाल का पकड़ा। हाँ वही तो, क्या क्या बढ़िया खेलता है ना भीम। इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं खेल रहा होता तो ऐसे ऐसे कमाल दिखाता, ऐसे कुंग फू पैंतरे अपनाता कि अपने साथ साथ हमारा भी पैंतरा खराब कर दिया। ओ, 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 वैसे सेब गिराने का है, शुक्रिया कालिया। हाँ? अपने उस्ताद की है ही आदत ऐसी, दिखाने चलते हैं पैतरा ऐसा। हाँ? जिसे हर कोई हारे। उल्टा गिरा बैठते हैं सेब सारे और हमें दिखा जाते हैं तारे। बड़बड़बान, वरना मुंह में पाओगे ये पड़े सेब सारे। अरे तारों से याद आया, आज शाम को हम सबको महल जाना है ना तारे देखने। हाँ, राजकुमारी इंदुमती ने हम सबको खास न्योता दिया है। तो आज महल में खास दावत का भी इंतजाम किया गया होगा। तीखे समोसे, करारी कचौरी और टुनटुन मौसी के मजेदार लड्डू। ओहो, माँ ने मुझे आज घर जल्दी बुलाया था उनके काम में हाथ बटाने के लिए। हाँ, काम? हम बच्चे भला घर का काम क्यों करें? हाँ, क्योंकि इससे हम ना केवल अपने माँ बाप की मदद करते हैं बल्कि खुद कुछ नया भी सीखते हैं। माँ कहती है कि जिम्मेदारी सीखने का इससे बेहतर और कोई रास्ता नहीं। लेकिन अगर तुम घर का काम करती रहोगी तो महल कैसे चलोगी हमारे साथ? मुझे माँ की मदद तो करनी ही होगी। तो हम सब तुम्हारी मदद करेंगे चुटकी। चलो जल्दी, शाम होने ही वाली है। चलो। ये क्या किया? ये लो, दो दो। अभी बहुत काम बाकी है। इतना खेलने के बाद अब काम भी करो? मैं तो थक गया। मैं भी, और भूख भी लगी है जोरों से। तुम कहो
तो लड्डू के एक दो बक्से हम आपस में बांट ले चुटकी। माफ करना दोस्तों, पर माँ ये कहकर गई है कि ये बक्से खास किसी के जन्मदिन के लिए बनाए गए हैं। इनसे कुछ लेना ठीक नहीं होगा। मुझमें तो ताकत बची ही नहीं। ऐसे में काम करना तो सजा है सजा। पर ऐसा कोई है? सुबह सुबह लड्डू खाने का मजा ही कुछ और है। ठीक कहा भीम।